गया होगा, यहाँ से ले लेंगे हम, उधर देख करके इंट्रो देते हैं। ओके हेलो फ्रेंड्स, तो ZN स्पीक्स के एक स्पेशल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ आप देख सकते हो कौन है, सुपर एक्सपोज जाने माने क्रिएटर हैं, और हम लोग आज मिले हैं। अभी बहुत क्रेजी चीजें होंगी, थोड़ा टाइम निकाल कर हम लोग मिलने आए हैं। कल अंशुमन भी आने वाला है सुबह, तो हमने सोचा कि लेट्स टॉक अबाउट जो बहुत चीजें चल रही है अभी। अभी सलार के बॉक्स ऑफिस के बारे में आप सभी ने सुना होगा कि बहुत झोल चल रहा है, तुम देखा? बहुत ज्यादा झोल चल रहा है भाई, मूवी जो है 200 करोड़ कलेक्शन को 1000 करोड़ का दिखा रहा है। मतलब 400 करोड़ तीन दिन में 400 करोड़ ठीक है, वो चल रहा है कि हाँ अरे साउथ का पिक्चर है यार, कमाता है ठीक है यार, कमाता होगा। लेकिन अभी क्या हुआ ना कि बहुत सारा सेंटर में, जितना भी मेट्रोपॉलिटन सेंटर है ना, 6 बजे और 7 बजे का जो शो है अर्ली मॉर्निंग, जितना 5 बजे 6 बजे 7 बजे हाउसफुल दिखा रहा सारा ठीक है। अब कुछ बंदा लोग क्या किया कि चेक करने के लिए गया कि हाँ यार दिखते इतना कैसे भाई, इतना कैसे कि 6 बजे, मतलब अभी जो इतना लॉन्ग वीकेंड चला है कि अभी इतना तुम्हारा क्रिसमस का वीकेंड खत्म हुआ है, तो थर्सडे से लेकर फ्राइडे से, थर्सडे चलो ढंग किया है, फ्राइडे से लेकर मंडे तक लोगों को मतलब ऐसा नहीं लगा कि हाँ यार हम लोग चलते हैं ठीक है। अचानक से ट्यूसडे और वेडनेसडे जब आया, नहीं यार सलार को देखना पड़ेगा हम लोगों को, डायनासोर को जाके समझा, और सब चला गया ठीक है। तो दो तीन लड़का लोग है ना कि यार मेरे घर के बगल में ऐसा हॉस्पिटल दिखा रहा जाते हैं, लिटरली बंदा लोग 5 बजे उठ के गया, और 5 बजे जब उठ के गया ना मॉल खुला ठीक है। तो तुमको क्या लगता है कि तुम्हारा ही ओपिनियन पूछना चाह रहे हैं कि तुमको क्या लगता है इस तरह मतलब बॉक्स ऑफिस को बढ़ा चढ़ा करके। अब देखो इतना तो हम लोगों को पता है कि कलेक्शन में हेरा फेरी होता है, जरूरी नहीं कि, और सिर्फ यहाँ पे मतलब सलार का बात नहीं कर रहे, जो मान लो कि इस साल का जो हाईएस्ट ग्रॉसिंग है इंडिया में वो है जवान, तो जवान का जैसे 1150 करोड़ है, तो हम मान सकते हैं कि हाँ 1150 करोड़ में वो लोग 50 करोड़ बढ़ा सके दिखाया होगा ठीक है ना। तो मतलब कि अगर डे वाइज बोले, मान लो कि जवान का जैसे डे वन कुछ 65 या 70 करोड़ 70 करोड़ का, तो वो 70 करोड़ नहीं होगा, वो 65 करोड़ होगा 66 होगा, तो वो लोग राउंड ऑफ करके 70 बता दिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कलेक्शन हो रहा है 20 बता रहा 80 20 हो रहा है 200 बता रहा है, मतलब 3 दिन में 400 करोड़ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस बताया। तो तुमको क्या लगता है 400 करोड़ पहले होना, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, नहीं पॉसिबल नहीं है, लेकिन देखो बता रहे हैं यहाँ रांची में भी सलार बुक करने के लिए देख रहे थे, तो स्टार्टिंग के 2-3 दिन के बाद बाकी देखोगे शो तो सारा शो जो है ढंकी को दे दिया है, और सलार के ऊपर कोई शो ही नहीं। यहाँ पे शहर बता सकते हैं ना हम लोग, अभी हम लोग है रांची में कि नहीं, ये रांची में रहता है, मैं रांची आया हूँ हम लोग सब मिलने के लिए कि यार मिलते हैं ठीक है ना। तो अभी रांची का जरा हाल बताओ मेरे को, तुम रांची में अब कल का बता रहा हूँ, सलार को तुम मैं फर्स्ट डे से बताओ, फ्राइडे से क्या हिसाब किताब था। फर्स्ट डे, फर्स्ट और सेकेंड डे जो है सलार के अगर 10 शो थे तो डंकी को लगभग 20-30 शो मिले थे, ऐसा सीन था यहाँ पे ठीक है। ठीक है, पहले दूसरे दिन चलो फिर भी चल रहा था कि हाँ उसको भी शो मिल रहा है इसको भी शो मिल रहा है, बाकी दूसरी मूवीज की तो बात ये अलग है, तो चल रहे हैं। लेकिन जैसे 3-4 दिन हुए वैसे अब सलार के अभी शो चेक करोगे, जैसे आज 27 तारीख को रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग ठीक है, और मूवी रिलीज हुई 22 को, तो आज 27 जैसे अभी हम लोग बता दे रहे हैं कि आज 27 है, वेडनेसडे की रात को 11 बजे हम लोग शूट कर रहे हैं ठीक है। तो थर्सडे का भी क्या सीन है वो हम बताओ तुम, कल का मतलब सुबह का, और कल सुबह हम लोग वापस जाने भी वाले हैं थिएटर, तो थिएटर का हाल अगर वैसा कुछ होगा तो अलग से एक वीडियो मैं बनाकर या शॉर्ट कुछ भी करके आपको मैं दिखा दूंगा, लेकिन अभी थर्सडे का शो वाइज बताओ। जैसे कल हम लोग एक थिएटर में जा रहे हैं, तो हम लोग बता दे रहे कि जैसे हम दोनों ने डंकी देख लिया है, सलार भी देख लिया, एक्वामैन भी देख लिया, लेकिन अंशुमन अभी कॉलेज से आया, अभी अभी आया है, वो कोई भी मूवी नहीं देखा है, तो अंशुमन बोला है कि मेरे को जो है डंकी देखना है, तो चलो। तो कल हम लोग डंकी जा रहे हैं देखने के लिए ठीक है। तो डंकी भी एक, जहां हम लोग जा रहे हैं तो वहां डंकी का भी शो लगा हुआ है, सलार का भी लगा हुआ है, तो हम लोग एक काम करेंगे बुकिंग देख लेंगे ठीक है, और फिर कल जाकर रिकॉर्ड कर लेंगे ठीक है। ठीक है, तो अभी तुम फिलहाल बताओ कि शो कैसा चल रहा है, मतलब कितना कितना शो मिला हुआ है। बता रहे हैं तो
27 तारीख हो गया आज, यानी कि आज जो सुबह में, तो सुबह में शो चेक किया था मैंने, तुम कल जिसान रात को कल जिसान ने कॉल किया था, 27 हुआ कि आज कल 28 हो जाएगा, कल 28 हो जाएगा, ये वीडियो 28 को ही आएगा, ठीक है, 28 को आएगा वीडियो, हाँ, तो 27 का बता दे रहा हूँ आज सुबह क्या सीन था, हाँ, ठीक है, तो कल रात को ही तुमने बोला था कि भाई मूवी देखने चलना है, अंशुमन वगैरह से बात हुई थी, तो मैं ऐसे ही शो चेक कर रहा था, ठीक है, तो मैंने चेक किया कि सलार के सिर्फ मतलब अलग अलग सिनेमा में सिर्फ एक या दो शो चल रहा है दिन भर के, हाँ, हिंदी या फिर तेलुगु का, नहीं यहाँ हिंदी में ही चलते हैं, सिर्फ हिंदी में चलते हैं, ठीक है, सिर्फ एक सिनेमा में एक या दो ही शो चल रहा है, ऐसा सीन, मल्टीप्लेक्स का बता रहे हैं, मतलब मल्टीप्लेक्स में पूरे दिन भर का दो शो चल रहा है मैक्सिमम, मैक्सिमम दो शो, किसी जगह तीन होगा लेकिन मोस्टली एक या दो ऐसा सीन है, और डंकी को, डंकी को दिन के 300 मतलब मिनिमम एवरेज 3 या 4 शो मिला है, 4 शो डंकी को मिल रहा है, हाँ, 2 शो सलार को मिल रहा है, हाँ, तो डंकी को मिल रहा है 4 शो, 2 सलार को हो गया, एक आध शो एनिमल को मिल रहा, हाँ, एक आध शो मिल रहा है एनिमल को, और एक्वामैन का कुछ, एक्वामैन के 1-2 शो है, 2-3 शो ऐसा कुछ दिन भर में, और कुछ एक आध मूवी कोई हो गया तो, हाँ, ठीक है, तो 2 शो चल रहा है, और तो उसका बुकिंग कैसा है, बुकिंग अब कोई कोई सिनेमा तो ऐसी होती है जिसकी 1 करोड़ पूरी बुक रहती है पहले से, वो तो मतलब थिएटर वाला लोग ही करता है, तो बस स्पॉट बुकिंग, हाँ, तो बस वो वाली रो को छोड़ के और आगे पीछे की रो में सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, इससे ज्यादा कहीं नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि हाउसफुल है या आधा ही भरा हुआ, आधा भी नहीं, 10% भी नहीं भरा हुआ है शो यहाँ का, तो यार तो 3 में कैसे 400 करोड़ कमा ली, वही ना यार, सोचो, सोचने वाली बात है दोस्तों, कैसे, हाउ, तो तुमको क्या लगता है कि ये मतलब कि चलो ये अभी तो ट्विटर में पूरा चल भी रहा है, पूरा मतलब एक्सपोजिंग वाला, ऐसा करते क्यों है लोग, मतलब ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्यों दिखाना है, पहले होता ये था कि मूवी जो है बहुत ज्यादा पैसा कमाती थी ऑडियंस की वजह से, ठीक है, लेकिन अब नेट का जमाना आ गया है, इंटरनेट का, ठीक है, तब इंटरनेट में अगर दिखाओगे कि मूवी ने 200 करोड़ कमा लिए 2 दिन में, तो भाई लोग बोलेंगे बढ़िया मूवी होगी, तभी तो लोग देखने गए, साइकोलॉजी वर्क करता है, साइकोलॉजी वर्क करता है, इसलिए लोग जो है ज्यादा कलेक्शन देखते हैं, इतना कमा रही है, सब जा रहे देखें, तो हम क्यों नहीं जाएं, भले उन लोग कुछ नहीं पता मूवी के बारे में, इतना इस मूवी ने कमाया उसकी वजह से भाई अगल बगल में हाइप फैलती है ना, हाँ, लोगों के पास जाती है कि हाँ भाई ये मूवी चल रही है, ये मूवी चल रही है, भले मूवी चल नहीं रही हो लेकिन कलेक्शन की वजह से मूवी चल रही है, तो इसलिए लोग भी जा रहे हैं देखने के लिए, तो अगर 20 करोड़ कमा रही थी मूवी विदाउट ये एक्स्ट्रा कलेक्शन दिखाए, तो शायद 25 करोड़ कमा लिए, 30 करोड़ कमा लिए, ठीक है, लेकिन कलेक्शन दिखाने से होगा क्या, चलो तुम कलेक्शन दिखाएगा, तुम एक दिन ऑडियंस को बुला लेगा, 2 दिन, लेकिन अल्टीमेटली तुम्हारा मूवी भी अच्छा होना चाहिए, हाँ, अब देखो सलार का मूवी मतलब ठीक ठाक मूवी है, तुम एवरेज, ऐसा नहीं कि एकदम तुम बोल दो कि नहीं बकवास है, नहीं बकवास नहीं, देखने लायक है, हाँ, मतलब वन टाइम वॉच है, तुम देख सकते हो, डंकी भी वही है कि तुम वन टाइम वॉच है, तुम देख सकते हो, एक बार तो तुम आराम से देख सकते हो, दूसरी बार यू कैन एंजॉय इफ यू आर गोइंग विद योर फ्रेंड्स और फैमिली, जैसे हम लोग कल हम लोग तीनों लोग जा रहे थे, हम लोग एंजॉय कर लेंगे, ठीक है, तो वही है कि डंकी भी बहुत ज्यादा मास्टरपीस नहीं हुआ, नहीं, कि राजकुमार हिरानी का हम लोग बोल सकते हैं कि ये लोएस्ट में या फिर सेकंड लोएस्ट में स्टैंड करेगा, हाँ, इन टर्म्स ऑफ जिस तरह बाकी जो मूवीज क्वालिटी, हाँ, और ऐसा नहीं कि मूवी वो हम लोगों को इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा कर लिया, हाँ, बिकॉज इट्स अ राजकुमार हिरानी मूवी, अगर यही मूवी कोई और डायरेक्टर बनाता तो हम लोग शायद इतना कंप्लेन नहीं कर रहे, हम लोग बोलते हैं कि यार बड़ा बड़ा अच्छा मूवी, ठीक है, तो वो राजकुमार हिरानी से वही होता है ना कि स्टैंडर्ड ऐसा सेट करो कि खुद भी उसको मैच ना कर पाओ, तो राजकुमार हिरानी से अपनी जो उसने 4, 5 या 6 मूवीज शायद राजकुमार हिरानी ने, हाँ, अपनी पूरी जिंदगी में बनाई टोटल, ठीक है, तो उसमें स्टैंडर्ड ऐसा सेट कर दिया है कि यार मतलब अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही एक्सपेक्ट कर देना, सही बात है, अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होगा, एक अच्छी मूवी होगी, बहुत अच्छी होगी, फिर भी नहीं यार कुछ तो समथिंग मिसिंग आउट वाली फीलिंग आती रहती, तो डंकी को देखकर भी मैंने एक चीज पॉइंट आउट की थी डंकी को देखकर कि सब कुछ अच्छा है लेकिन जैसे जो नाम है ना डंकी, तो डंकी प्रोसेस को बहुत अच्छे से मतलब कि एक्सप्लोर नहीं किया गया,
जैसे कि अगर तुम डंकी का प्रोसेस देखोगे जो सेकेंड हाफ शुरू होता है, स्पॉइलर्स थोड़े से होने वाले हैं, ठीक है, अगर आपने डंकी मूवी नहीं देखी है तो ठीक है, बहुत ज्यादा स्पॉइल नहीं करेंगे हम लोग, देखो मतलब ये अब तक तो हो गया यार, एक हफ्ता अरे हो हो गया, गया देख लिया जिसको तो। देखना हुआ होगा वो देख ही लिया होगा। तो डंकी मूवी में जैसे सेकेंड हाफ में क्या होता है कि वहीं से शुरू होता है डंकी प्रोसेस, पहला पार्ट में सेटअप करता है वो लोग, और सेकेंड पार्ट में मतलब कि शुरुआत से ही डंकी प्रोसेस का शुरू कर दिया जाता है, जो वो लोगों का पहला ड्रॉप होता है पाकिस्तान में। तो अब वहां से जो शुरू होता है ना, अब बीच बीच में थोड़ा सा जो भी हुआ, तो मेरे को लगता है कि 10 से 15 मिनट हुआ होगा, अगर फालतू चीजों को तुम थोड़ा सा हटा दो कि हाँ ये सब हो रहा है, वो एक गन वाला, वो वाला जो सोल्जर को मारता है, दो तीन सोल्जर हाँ लोग को, वो अच्छा सीन था, लेकिन उसको खत्म करने के बाद सीधा वो लोग लंदन पहुंच गया। हाँ बीच एक सॉन्ग चलता है, सॉन्ग के साथ में ही वो लोग ओ माही वाला सॉन्ग चलता है, उसके साथ में वो कंटेनर में गया, फिर कंटेनर में 22 दिन रहा और वहां से निकल गया। तो ओवरऑल अगर इसको तुम सबको कैलकुलेट करोगे ना डंकी वाले प्रोसेस को, तो आई थिंक कि 15 मिनट के अंदर पहुंच गया। पूरे, हाँ पहुंच गया लंदन, 15 या 16 मिनट। तो आई थिंक कि इसको एक्सप्लोर ज्यादा करना था, क्योंकि डंकी प्रोसेस बहुत ज्यादा बड़ा है, अगर उसको तुम अच्छे से एक्सप्लोर करोगे ना, तो उसके ऊपर एक बहुत अच्छी वेब सीरीज भी बन सकती है, सही बात है। क्योंकि रास्ते में बहुत सारे ड्रॉप्स होते हैं, पाकिस्तान जाना है, पाकिस्तान से फिर कहीं जाना है, ईरान वगैरह होते हुए, और फिर तुम रास्ते में थोड़ा सी या यूक्रेन भी तुमको बॉर्डर पार करना पड़ता है। हाँ तो डंकी वाला जो प्रोसेस था तो उसके ऊपर पूरा वेब सीरीज बन सकता है। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने फैन फिक्शन बनाई है उसके ऊपर, फैन फिक्शन आप लोगों ने देखी होगी, मेरी नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन देख पे लो। लिंक दे दूंगा, बहुत सारे फैन फिक्शन आप लोग इंजॉय कर सकते हो। तो जब मेरे को डंकी वाला फैन फिक्शन बनाना था ना, तो मेरे को खुद भी नहीं पता, बस डंकी हाँ इलीगली जाना है, लेकिन उसका प्रोसेस कैसा होता है, तो अब फैन फिक्शन बनाना है मेरे को, अच्छी स्टोरी बनानी है, तो उसके बारे में पता भी होना चाहिए। रिसर्च तो वगैरह हाँ, करना तो पड़ता। लगभग एक हफ्ते तक मैंने रिसर्च करी डंकी प्रोसेस के ऊपर, बहुत सारे वीडियोस, रियल वीडियोस, जो बहुत सारे जो डॉन्कर्स होते हैं ना, वो लोग यार यूट्यूब चैनल बना लेते हैं अच्छा, अभी के टाइम में। अभी के टाइम में, मतलब हम 5 साल पहले का भी वीडियो देखे, अच्छा। ठीक है, तो वो लोग क्या किया, पूरा एक व्लॉग चैनल बना लिया अपना, और पूरा अपना जो 3 4 5 या 6 महीने जितने भी उनको लगे, तो 6 महीने तक वही व्लॉगिंग ब्लॉगिंग करके, कर अब व्लॉगिंग करके क्या हो रहा है कि ओरिजिनल प्रोसेस वो लोग दिखा रहा है, गया। तो पैसा आ रहा है यूट्यूब से, वही पैसा का इस्तेमाल करके भी जो देना हुआ रहता है एजेंट्स वगैरह को, तो मतलब उसी से कमा खा रहा है, अलग अलग देश में रुक रहा है, ठीक है ना। तो वो लोग इस तरह से जो पूरा प्रोसेस वो लोग दिखाए कि हम लोग ऐसे गए, यहाँ गए, ऐसे ऐसे, फिर लास्ट में वो लोग जैसे यूक्रेन वगैरह पार कर लेता है ना, तो एक बड़ा सा दीवार वगैरह आता है जिसको क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है, और वहां पे सोल्जर वगैरह जो रहते हैं वो लोगों को पैसा वैसा खिलाता है वो लोग, और वहां पे क्रॉस वगैरह करके वो लोग फिर लंदन पहुंचता है, फिर वहां ने क्रॉस करके फिर वैसे ही जो दिखाया ना कि शिप से निकला, कंटेनर में बैठा, उसी कंटेनर में अब वो लोगों को 20 दिन रहना है, ठीक है ना, तो उस तरीके से पूरा प्रोसेस दिखाया। तो जितना वो लोग मेरे को दिखाया ना, और एक नहीं, हम लगभग 10 या 15 लोगों का व्लॉग देखे होंगे, और फिर और भी 20 25 वीडियो एक्सप्लेनेशन वाला कि डंकी प्रोसेस कैसे काम करता है किस तरह, तो उसके बाद तो वो सारी वीडियोस देखने के बाद मेरे को डंकी के बारे में अच्छा खासा नॉलेज हो गया मेरे को। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये सारी चीजें मूवी में, अब सब कुछ नहीं लेकिन लगभग वो जो डंकी वाला प्रोसेस है उसको मूवी में एक अच्छा खासा टाइम देना चाहिए था, सही बात है। और ऐसा नहीं था कि राजकुमार हिरानी उसमें टाइम नहीं दे सकते थे। आई थिंक कि फर्स्ट हाफ को, जो पहला फर्स्ट हाफ 1 घंटे 20 मिनट में आई थिंक होता है, 1 घंटे 15 या 20 मिनट में, तो आई थिंक कि जो इंटरवल के बाद जो डंकी प्रोसेस शुरू हुआ ना, उसको फर्स्ट हाफ में ही शुरुआत वाली कुछ चीजें आराम से कट सकती थी, जो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं था। जैसे इंग्लिश सीख रहा है तो उसमें बहुत सारा ऐसे जो मजाक मस्ती है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा कम करके, थोड़ा सा यहाँ वहां से हटाकर सही बात है। उसको आप मतलब कि 50 55 मिनट में खत्म कर सकते थे। तो अगर 50 मिनट में उसको खत्म कर दिया जाता तो वो क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास 20 मिनट एक्स्ट्रा है, तो उस 20 मिनट में
वो प्रोसेस को दिखा सकते, वो प्रोसेस, वो जो पानी वाला सीन आता है ना, जो पानी से पाकिस्तान निकलता है, तो आई थिंक कि पाकिस्तान पहुंच गया और वहां से इंटरवल हो जाता है और उसके बाद से फिर अब मेरे को 1 घंटे 15 मिनट और है, तो अब और आधा घंटा मेरे को डोंकी प्रोसेस देखना था। तो अगर वहां पे क्या होता फिर हम लोगों को लगभग 45 या 50 मिनट का सिर्फ डोंकी प्रोसेस देखने को मिलता है। सही बात, ठीक है ना। और क्यों देखो ऐसा भी होता है, मैंने जो देखे थे कि ये जो रास्ता होता है ना, जो जंगल पहाड़ वगैरह होके वो लोग जाता है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारा लोगों को जो ये आतंकवादी लोग जो रहता है, नक्सली लोग रहता है, वो लोगों को पता होता है कि ये डोंकी रूट है, यहीं से सब लोग आना जाना करते हैं, तो वो लोग छुपा रहता है। कुछ एजेंट्स भी वो लोगों के साथ मिला हुआ रहता है। अच्छा। और वो लोग क्या करता है कि पहले तो पैसा वैसा तुमसे छीन लेगा, ठीक है, उसके बाद जो लेडीज रहती है तो गलत काम करता है, ठीक है, रेप वगैरह भी हो जाता है। और इसके सिर्फ यहाँ नहीं, मान लो कि मुठभेड़ हो गया, पैसा वैसा वो लोगों को मिल गया, औरत मिल गई, तो वहां पर तो वो लोग ये सब कर लेता है गलत काम, ले उसके अलावा भी कुछ लोगों को मार देता है। अच्छा। कुछ लोगों को मार देता है, कुछ लोग तो भूख प्यास से मर जाता है आधा रास्ता में, मूवी में भी हम लोग देखे। तो क्या करता है, जो मर गया वो लोग तो ठीक है, और बाकी लोगों को, कुछ लोगों को मार देता है। अब मारने के बाद शरीर का सारा ऑर्गन्स निकाल लेता है। अच्छा। जितना भी हार्ट है तुम्हारा, ये सब है, सारा मेन ऑर्गन्स तुम्हारा, जो महंगा ऑर्गन्स है हमारे शरीर के, किडनी वगैरह सब निकाल लेता है, और उसको बाहर देशों में बेचा जाता है ब्लैक में। अच्छा। तो ये सारी चीजें आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि शायद देखने को मिले, लेकिन वो भी है कि अगर ये सारी चीजें दिखाना होता तो फिर मूवी थोड़ा सा 18 प्लस हो जाती। हाँ, फिर मतलब वो मतलब जो थीम मूवी के सेट थी ना कॉमेडी, हाँ, वो नहीं रहा। कॉमेडी तो समझ लो कि तुम्हारा फर्स्ट हाफ में ही खत्म हो गया। हाँ। लेकिन उसके बाद जैसे अब राजकुमार हिरानी को क्या है कि उनको यूएस सर्टिफिकेट के साथ मूवी बनाना है ना, कि सारा बच्चा बुढ़ा सब इंजॉय कर सके। तो अभी जो हम बता रहे हैं वो बहुत ज्यादा हार्श है कि मतलब अब मान लो किसी को मार दिया, थोड़ा बहुत तो वो लोग दिखाए कि हाँ मारा गोली सर के आर पार हो गया, उतना दिखाए तो उतना यूए में आ जाता है। लेकिन अगर नक्सली आतंकवादी लोगों को दिखा देगा कि बंदूक से मारा है और शरीर से तुम्हारा ऑर्गन्स, तो वो शरीर से ऑर्गन्स निकालते हुए दिखाना है, तो वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा फिर ए कैटेगरी में चल जाएगा। उसके ऊपर सिर्फ वेब सीरीज बन सकता है, मूवी नहीं। मतलब मूवी बन सकता है, लेकिन वही है कि तुमको फिर वही एज रेटिंग देना पड़ेगा। हाँ। फिर ए सर्टिफिकेट के साथ में, जैसे एनिमल वगैरह रिलीज हुआ है ए सर्टिफिकेट के साथ में, तो उसको भी वैसे ही रिलीज करना पड़ेगा। तो आई थिंक कि उन सारी चीजों से बचने के लिए ही राजकुमार हिरानी वो सारी चीजें एक्सप्लोर नहीं कर पाए, बिकॉज जो चीज एक्सपेक्ट हम कर रहे थे वो कहीं ना कहीं वायलेंस में जाता है, वो फिर बच्चों के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी यार मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर करके दिखा सकते हैं डंकी, क्योंकि डंकी प्रोसेस हम लोगों को दिखाया नहीं है कि लंदन ये लोग 10-15 मिनट में पहुंच गया और उसके बाद तो फिर आने वाला सीन है। कंपाइलेशन ही दिखाया है गाने के अंदर जितने देर पहुंचे। हाँ, वो एक सॉन्ग, एक्स्ट्रा सीन डाल, सॉन्ग मॉन्टेज में खत्म हो गया, सॉन्ग वाले मॉन्टेज में पूरा खत्म हो गया। बट ओवरऑल मूवी अच्छी थी। हाँ, इसमें कोई आप आराम से अपने फैमिली के साथ में, और अरे हम लोग हो सकता है कि थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ यार मतलब क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर चुके हैं यहाँ के भी बाहर का भी, लेकिन इफ यू विल गो विथ योर फैमिली विथ योर मॉम एंड डैड तो उनको बहुत पसंद आएगी मूवी। सही बात, क्योंकि जैसे मेरे घर में जो बड़े भैया लोग गए, मेरे भाभी लोग गई, मम्मी भी गई मेरी देखने के लिए, तो शी लाइक द मूवी एंड शी हैड अ फीलिंग फॉर द मूवी की मतलब मूवी जब खत्म हुई ना शी हैड टीयर्स इन हर आईज कि हाँ हो गया। अब ये प्यार जो मर गई, हम लोगों को हो सकता है फील नहीं हुआ, लेकिन मम्मी लोगों को ये चीज बहुत ज्यादा फील होता है कि अरे यार क्यों, जहां पे मतलब कहां पे हिट किया मेरी मम्मी को, जो वहां तापसी पन्नू बोलती है ना लास्ट में, जो शाहरुख खान पूरा 25 साल तक रह लिया और उसको बोलती है यार तू बस एक टेप रिकॉर्डर वापस करने आया था। मतलब एक टेप रिकॉर्डर वापस कर रहा है, तो ये चीज शायद हम लोगों को उतना नहीं लगे, लेकिन एल्डर्स जो है, मम्मी पापा पेरेंट्स जो है हमें, उनको बहुत ज्यादा फील होगा ये चीज।
एंड स्पेशली दिस मूवी इज कैटेगराइज फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल. जो लोग घर से बाहर रहते हैं, अपने घर में नहीं रहते, मतलब कि या तो आउट ऑफ कंट्री रह रहे, तो उनको उनके लिए तो बेस्ट मूवी है भाई. क्योंकि ऐसे रिव्यूज मैंने देखे हैं कि जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं और 2-3 साल 4 साल 5 साल में एक बार घर आ पाते हैं, या फिर जो लोग परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं, जैसे एक पर्सन है जिनको मैं जानता हूँ, वो अभी लंदन शिफ्ट हो गए हैं परमानेंटली. अच्छा, ठीक है ना. तो जब मैं फैन फिक्शन बना तो उनसे ये डंकी प्रोसेस क्या होता है, बोला मैं डंकी प्रोसेस से तो नहीं आया भाई. बोला अरे आप नहीं आए, मतलब कि पता होगा ना. बोला हाँ, तो थोड़ा बहुत होगी. तो वो भी मूवी देखे वही लंदन में, वो भी मूवी देखे. तो ही हैड अ डिफरेंट फीलिंग फॉर द मूवी. उन्होंने बोला कि यार मेरे को बहुत पसंद आया. और वो जो गाना आता है ना, चल वे वतना फिर मिला, ही वॉज इमोशनल फॉर दैट सॉन्ग. तो जो लोग घर से बाहर रहते हैं, बाहर में नौकरियां कर रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री है, तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा. लेकिन जो अपने शहर से भी बाहर, स्टेट से बाहर है, जो वो लोग शहर से स्टेट से बाहर हैं, 5-6 महीने में एक बार घर आ पाते हैं, वो भी 3-4 दिनों के लिए, एक हफ्ते के लिए, तो उनको भी ये मूवी हिट करेगी. क्योंकि इट्स क्या है कि ओवरऑल मूवी क्या है कि आप घर से बाहर हो, और जब आप घर से बाहर होते हो तभी आपको घर की वैल्यू समझ आती है. सही बात है. तो हम लोग तो घर ही में हैं तो उतना फील नहीं होता. नहीं नहीं, हम तो भाई घर से बाहर ही रहते. चल 2 किलोमीटर. 50 किलोमीटर है. हाँ, तो चल जाएगा ना बाइक से. तो ये तो बाइक से चला जाएगा. तो भाई ये तो डंकी इज गुड. बाकी डंकी का भी सुन रहे कि हाँ उसमें भी पीआर हो रहा है थोड़ा बहुत हुआ होगा. लेकिन अगर उसमें अब देखो 1-2 करोड़ का दिखाया तो उतना तो मैं मान के चल रहा हूँ कि हर पिक्चर दिखाती होगी. हाँ, 1-2 करोड़ लेकिन डंकी का मैं इसलिए नहीं बोलूंगा ना कि अगर उसको करना होता तो वो फिर जिस तरह जवान और पठान में कलेक्शन दिखाई, इधर भी दिखा देता. शाहरुख खान के पास पावर भी है भाई, वो चाहेगा तो मैनिपुलेट कर दे. नहीं दिखाया, ठीक है. अब 400 करोड़ है, 400 नहीं हुआ होगा, 380 हुआ होगा, 390 हुआ होगा, ठीक है ना. तो उसमें बेसलेस है ये बात, जहां नजर आ रहा है. और एक टॉक्सिक फैन वॉर जो चल रहा है उसमें तुमको क्या, तुम्हारा व्यू है? बात ये है कि डंकी मूवी रिलीज तो एक ही लैंग्वेज में हुआ है, ठीक है, और सरार 5 लैंग्वेज में रिलीज हुआ. तो लैंग्वेज थोड़ा ना, तुम जैसे वो चल रहा है, एक हो रहा है, एक तरफ एसआर के फैंस है, एक तरफ प्रभास फैंस है. तो वही तो बोल रहे हैं. तो हिंदी ऑडियंस को सलार मूवी जो है, हिंदी ऑडियंस कम देख रही होगी, नॉर्मल ऑडियंस है. वो हिंदी कलेक्शन तो कम भी है उसका, हिंदी कलेक्शन कम है, लेकिन मोस्टली जो है साउथ के लोग देख रहे होंगे, और मूवी भी साउथ की, एक्टर भी साउथ का, उनकी लैंग्वेज में रिलीज भी हुई है, तो सपोर्ट किसको ज्यादा करेंगे? साउथ को करेंगे, ठीक है. और ऐसे भी कन्नडिगा वाला वीडियो देखा कि नहीं तुम? नहीं देखे. कौन सा वीडियो, क्या दोगे? हम भेज देंगे, यहाँ पे हम क्लिप लगा देंगे थोड़ा सा. एक देखे वही कनाडा में कहीं पे, वी आर कन्नडिगंस ऐसे करके वीडियो था. वीडियो लगा दे, आप लोग देखो. नो, वी आर कन्नडिगंस फर्स्ट. If you are Indians, you can go to other states also. Hyderabad is there, Chennai is there. Karnataka is not India. No, we are Kannadigas. Karnataka is India. We are Kannadigas only. You cannot able to speak Kannada? No, it's not about 100 years or something. It's just like, I do not want to be forced. If you are asking me to love and respect. No, sir. With love and respect only, we ask you. Do not force your language on me. What I'm saying. If you will treat me with love and respect, definitely, if you are, like, you are not able to communicate in Hindi or English or something, I would learn Kannada. Then okay. You, like, I don't have any against or hatred against Kannada. I really respect that. I love that. Okay. But if you are forcing me that. We are not forcing. We are asking to. We are talking. Please talk in Kannada, it's forcing. No. Please talk in Kannada, it's forcing. You are forcing when you say you have to learn Kannada or you have to leave. Yes, ma'am. I didn't say that word starting. In this video. Okay. Do not make any slogan. Okay. You said that. Okay. After 100 years also, you cannot able to speak Kannada? Then I like. It's my choice. Okay. You don't talk Kannada? Sir, again and again, I am telling. Please learn Kannada. We are Kannadigas first. If you are Indians, you can go to other states also. Hyderabad is there, Chennai is there. ठीक है अभिषेक भाई, अब तुम वीडियो देख लिया, अब बताओ. भाई देखो, बात ये है कि अपना एरिया का आदमी है,
ठीक है, अपना एरिया का लैंग्वेज में मूवी बनाया तो हम वही देखेंगे, हम कहा शाहरुख खान को देखने गए। बस साफ सीधा बात यही है। नहीं बाकी कन्नड़ डिगन वाला भी तुम देख लिए। तो चलो ये अब सब लोग वैसे नहीं होते, ऐसा नहीं कि हर लोगों की बात नहीं हो रही है, लेकिन स्पेसिफिक ये जो अभी वीडियो हम प्ले किए हैं उसमें अभी उसका बात कर रहे हैं। तो ठीक है, वी आर कन्नड़ डिगन्स, वी आर इंडियंस, वी आर धनबादियंस, वी आर रांचियंस, रांचियंस ए, पहले खट्टा भाषा में बात करनी समझ नहीं बाद में वी आर पहले बिहारी बाद में वी आर इंडियन झारखंडी बिहारी में बात करनी बहुत बिहारी में बात करबे चला चला बिहारी में बात करेंगे हम बात करबे हम लोग बाद में इंडियन साला हम लोग पहले बिहारी साला यही ना देखो उसका कहने का मतलब यही था उस वीडियो में नहीं तो फिर हम लोग को तो भोजपुरी मूवी देखना चाहिए पहले पहले पवन सिंह को देखना चाहिए पहले हम लोग पहले तो लहंगा उठा दे रिमोट से पहले वो हम लोग देखेंगे शाहरुख खान कहाँ है भैया पवन सिंह सबसे बढ़िया बस बस तो यही है भाई तो अभी देखो तो टॉक्सिक फैन हो यहाँ पे एसआर के फैंस वहाँ प्रभास को ट्रोल कर रहे हैं प्रभास के फैंस एसआर के को ट्रोल कर रहे हैं और एसआर के और प्रभास को जानने कोई मतलब तो दोनों एक्टर्स को एक दूसरे से कोई दिक्कत नहीं है न एसआर के को प्रभास से न प्रभास को प्रभास तो एक इंटरव्यू में बोले कि ही इज अ फैन ऑफ शाहरुख तो वो दोनों अपने लेवल में सही है भाई अब तुम लोग अगर एसआर के और प्रभास करोगे तो करो नहीं गलत है मतलब तुम उसको ट्रोल कर तुम इस बात पे ट्रोल करो कि हाँ प्रभास की मूवीज अच्छी नहीं चल रही है बाहुबली के बाद हिट नहीं दिया या फिर जो फेक बॉक्स ऑफिस उस पे तुम स्पेशली किसी के ऊपर टारगेट मत करो ना एसआरके के ऊपर ना प्रभास के ऊपर सही बात है ठीक है दोनों अपने अपने जगह सही है दोनों अपने अपने जगह अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि भाई देखो वो लोगों की मूवी हिट हो फ्लॉप हो वो लोग पैसे कमा के निकल गए तुम लोग बस लड़ते ही रह जाओगे एक चीज और देख रहे हैं इंटरनेट पे चलो ठीक है एसआरके फैन है तो एसआरके के लिए लड़ रहा है प्रभास फैन है प्रभास के लिए लड़ रहा है बीच में सलमान खान के फैन सलमान खान कहां से है इसमें बीच सही बता रहे हैं बीच में सलमान खान का फैन लोग आ गया है वो लोग अपना अलग वो लोग अलग है वो लोग अपना अलग ट्रेंड चला रहा है कि हाँ मतलब कि एसआरके को पेल दिया ये कर दिया वो कर दिया डंकी बेकार मूवी अबे तुम लोग क्यों आ रहे हो बीच में मैंने एक पेज देखा सलमान खान के फैन पेज नाम है उसका छोड़ो नाम नहीं बताते या बता देते हैं यार हम लोग क्या डर ट्रोल सलमान खान हेटर्स एक ऐसे ही करके ट्रोल एसआरके हेटर्स भी है उसको हम फॉलो करते हैं अच्छा तो उसमें मतलब अब दोनों फैन पेज को हम फॉलो कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर तो एसआरके फैन पेज भी हम देख रहे हैं वो लोग नेगेटिविटी वो लोग भी करता है जिस तरीके से सलमान फैन लोग वो लोग जैसे टाइगर थ्री का टाइम था ना तो जैसे एसआरके फैंस उसको कैसे ट्रोल कर रहा था कि 350 का बजट है 350 करोड़ का और 300 करोड़ भी नहीं कमा पाया और वो लोग अपना लेके बोल रहा था कि और ये सलमान फैंस बोल रहे थे कि पठान टाइगर के वजह से हिट हुई है अच्छा तो वो लोग इस तरीके से ट्रोल कर रहा था ये लोग अलग मतलब पाकिस्तानी एसआरके ये वो ऐसे करके ट्रोल कर रहा ठीक है ना और अजीब अजीब और क्या एक पोस्ट देखे थे वो अभी कल ही पोस्ट देखे ट्विटर पे एक हैशटैग चला है एक पेज बना लिया ट्विटर पे ठीक है बोल रहा है फॉलो करो और उस पेज में सिर्फ एसआरके का बदनामी अभी इतना टाइम है तुम लोगों के पास किसी का बदनामी करने के लिए पोस्ट डाला है कि यहाँ पे इस ट्विटर को आके फॉलो कर लो यहाँ पे हम लोग अच्छे से एकदम मारेंगे एसआरके की डंकी को एकदम पूरा गरियाएंगे हमने इतना टाइम है तुम लोगों के पास शाहरुख खान सलमान खान साथ में बैठ के मुर्गा दबा रहा है तो दोनों टंगरी कबाब खा रहा है भाई और तुम मतलब स्पेशल ट्विटर पर भाई कुछ और काम कर ले यार मतलब और कुछ कर ले मतलब ये वो लोग तुम अब स्पेशल पेज बनाना जहाँ पे हम लोग एसआरके का एक रहा था ना कि सलमान खान का बर्थडे आ रहा तो आज ही सलमान खान का बर्थडे स्पेशल हैप्पी बर्थडे सलमान खान आज है हाँ आज सलमान खान का 28 तारीख को आज 27 27 को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं ना तो आज नहीं 28 हो जाएगा थोड़ा देर में बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सलमान खान फ्रॉम बोथ ऑफ अस तो सलमान खान का बर्थडे आ रहा है यार उसके लिए तुम पेज बनाओ कि हम लोग अच्छे से कुछ अरेंज करें जैसा शाहरुख खान का फैंस लोग देखो यार बर्थडे आता है तो माहौल बना देता है मन्नत पहुंच जाता है तो वैसा माहौल बनाओ कुछ
सलमान भाई को भी अच्छा लगे और थोड़ा मोटिवेट करो. तो हम तो बोलते हैं कि आप ट्रोल सलमान खान हेटर्स हो, तुम सलमान खान को ही ट्रोल करो कि भैया बंद कर दीजिए समाज सेवा करना, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम कीजिए. सही बात है. ठीक है, तो ये लोग यार डंकी ये बीच में घुस के एकदम हकलियन डोगलियन काका पूरा पूरा वो लोग चला रहा. हम यार ये दोनों फैन वॉर के बीच में ये तुम तीसरा कहां से आ रहे हो कबाब में हड्डी बन के. वो लोग अपना अलग नशा में कहां से उठा रहा है कि मतलब कि सलमान खान का कौन सा मूवी आया था जिसमें पागल जैसा एक है ट्यूबलाइट ट्यूबलाइट का फोर्थ डे का कलेक्शन डंकी से ज्यादा था. डंकी का फोर्थ डे कलेक्शन तो ट्यूबलाइट के फोर्थ डे कलेक्शन से भी कम है. और कैसे एक पोस्ट में बोलता है अगला उगला का गया सब यार. एक 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 पोस्ट में बोलता है हम दो पोस्ट दोनों पोस्ट बता रहे आगे पीछे पोस्ट. एक पोस्ट में बोलता है कि डंकी इज ए शिट मूवी, ऐसे पूरा मतलब कि बेकार मूवी है, ऑडियंस तो आधा मतलब फर्स्ट हाफ से उतर गया, किसी को पसंद नहीं आई पीआर ऐसे. ठीक है, पहला पोस्ट में तुम साबित कर दिया कि मूवी अच्छा नहीं ऑडियंस को पसंद नहीं आया. अगला पोस्ट डाला डंकी का फोर्थ डे ट्यूबलाइट का फोर्थ डे. ट्यूबलाइट में डाला कि वर्ड ऑफ माउथ वाज नेगेटिव ऐसे वैसे. ठीक है, नो नो पीआर स्ट्रेटजी, नो कॉर्पोरेट बुकिंग, सब कुछ ऐसे लिखा, स्टिल इतना करो. डंकी विद पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ. अभी तो तुम पिछला पोस्ट में बोला कि बेटा वर्ड ऑफ माउथ नेगेटिव है उसका. हम बोले बेटा पहले खुद एक फैन पेज वाला उनको काम ही कर रहता है. ठीक ना, उसका जो एडमिन जो रहता होगा ना बोलता है हमको तो फॉलोअर चाहिए भैया, हम तो डालेंगे, हमें फॉलोअर चाहिए ताकि वो ताकि रजनीगंधा का एड मिल जाए मेरे को. चू आदमी उन लोग है जो फॉलो करते हैं उस पेज को. तो फॉलो मत करो यार, फॉलो मत करो भाई. मैं तो यही बोलूंगा इन सारी चीजों से दूर रहो. मैंने ऐसे नहीं बोलूंगा फॉलो मत करो, जो फैन पेजेस जो नेगेटिविटी नहीं कर रहे सिर्फ अपने स्टार्स की पॉजिटिविटी करते उनको तुम फॉलो करो. अरे बात बताओ, इतना लोग फॉलो किए ना पठान के टाइम में, बॉयकॉट गैंग याद है ना, अकेले पे इतना 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 बॉयकॉट किया था पठान के पहले ब्रह्मास्त्र को, उसके पहले लाल सिंह चड्ढा को, इतना सारा मूवी को बॉयकॉट कर रहा था. तो लोग ट्रेंड बना लिया था कि अब हर मूवी को बॉयकॉट करना है. ठीक है, लेकिन पठान मार दिया अब कहाँ गया बॉयकॉट गैंग. रणवीर कपूर का मूवी आया, अकेले खत्म कर दिया. नहीं, रणवीर कपूर का मूवी आया, कोई कुछ नहीं बोला. रणवीर कपूर में हुआ एनिमल में अलग चला. अरे वायलेंस पे चला वो दूसरा बात है. ठीक है, लेकिन जिस चीज पे पहले चल रहा था कि ये दिखा दिया वो दिखाया, नहीं हुआ. जवान में नहीं दिखाया कुछ, है ना, कुछ दिखाया जवान में कोई बॉयकॉट नहीं कर पाया. अभी इतनी मूवीज आ रही है किसी को बॉयकॉट नहीं कर रहा, अब कहाँ गए वो लोग. सब भाई ट्रेंड के साथ ऐसे फ्लो में उड़ते हैं, तुम उड़ना बंद करो भाई, उड़ना बंद करो और फालतू चीजों से दूर रहो. ऐसे नहीं कि फैन पेजेस को फॉलो मत करो, जो जेन्युइन फैन पेजेस है ना, जो दूसरों की नेगेटिविटी नहीं करते बस अपने स्टार की पॉजिटिविटी करते हैं. ठीक है, उसका बर्थडे आ रहा है सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है, मंदिर जा रहा है, मस्जिद जा रहा है, चर्च जा रहा है, जहाँ भी जा रहा है तो उसके बारे में पोस्ट कर रहे हैं कि हाँ यहाँ गया वहाँ गया, उस मतलब कि उसका डेली रूटीन तुम्हें दिखा रहे हैं. ठीक है, और वो अगली मूवी क्या करने वाला है, बाकी उसके अचीवमेंट्स के बारे में जो बता रहा है उसको फॉलो करो. ठीक है, वो सारी चीजों को फॉलो करो. जो लोग नेगेटिविटी कर रहे हैं ना बस देखो उनको, ऐसा नहीं कि क्योंकि बिना देखे फिर हम लोगों को भी मजा नहीं आता है. देखो नहीं, लेकिन देखना मना नहीं है. नेगेटिविटी करने वाले के पास टाइम कितना है. अरे सब नल्ला मतलब बैठ के खाली मतलब आज सोचो ना क्या होगा. सोचो ना एक ट्विटर पेज बनाना किसी दूसरे की नेगेटिविटी करने के लिए तो कितना टाइम होगा. बोले तो सुबह उठता होगा तो आज क्या करना है, चलो आज शाहरुख खान को फेल क्या आते. मतलब सोचो इतना नल्लक कैसे हो सकता है भाई. हो रहा है यार क्या करोगे, जरूरी है. तो ये सारी चीजें देखो ऐसा नहीं कि आप देखो, लेकिन उसको तब तक फायदा नहीं होगा जब तक आप उसको फॉलो नहीं करोगे, जब तक आप लाइक नहीं करोगे. क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करोगे, ठीक है ना, तो उस वो जो नेगेटिविटी करके जो पैसा कमाना चाह रहा है, क्योंकि देखो आप फॉलो करते हो, आप लाइक करने से क्या होता है, एल्गोरिदम और प्रमोट करता है वैसी चीजों को, नए लोगों के पास जाता है. तो
तो अगर आप लाइक नहीं करोगे, अपना लाइक बचा लोगे, वो आगे बढ़ना बंद, एल्गोरिथम उसको आगे नहीं बढ़ाएगा। दूसरे बात, मान लो कि 200,000 लोगों ने फॉलो कर रखा है उसको, अगर वो 200,000 लोग, उस 200,000 लोग, अब जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मान लो कि इस वीडियो को अगर 100 लोग ही देखे, ठीक है, अगर 100 लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आप में से अगर 10 लोगों ने भी ऐसे पेजेस को फॉलो कर रखा है और लाइक मारते हो सब में, भाई देखो तुमको नाम मालूम है पेज का, तुम अनफॉलो कर दो, लाइक मारना छोड़ दो, डेली एक बार सर्च करके देख लो आज क्या आ गया उसमें, ठीक है ना। तो तुमने देख भी लिया और तुमने मदद भी नहीं, क्योंकि देखो अगर लोग उसको अनफॉलो कर दे, लाइक करना बंद कर दे, तो वो जो आपके थ्रू आपके इमोशंस का फायदा उठाकर, क्योंकि ये लोग इमोशंस का ही फायदा उठाते, कि जैसे आई एम आई एस आर के फैन, तो यार मैं सलमान खान को गरिया देता हूँ, या फिर मैं सलमान खान एस आर के को गरिया देता हूँ, इनको मजा आएगा। तो आपके थ्रू वो नेगेटिविटी भी कर रहा है और आपके थ्रू ही वो पैसे भी कमा रहा है, क्योंकि उसको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, ठीक है, अलग अलग ब्रांड्स के छोटे मोटे जो रमी वाले ब्रांड्स होते हैं वो लोग स्पॉन्सरशिप दे देते हैं, ठीक है ना, और उसको 50,000-60,000 रुपए मिल जाते हैं, क्यों, क्योंकि आप लोगों ने उसको फॉलो कर रखा है, तो वो नेगेटिविटी करके बैठ के कमा ले रहा है भाई आप लोगों से, ठीक है ना, और आप लोग क्या कर रहे हो, तो फॉलो करना छोड़ दो ऐसे लोगों को, फॉलो किया तो अनफॉलो कर दो, लाइक करना छोड़ दो, बस देखो, ठीक है ना, देखने के पैसे नहीं लगते ना पैसे मिलते हैं उसको, क्योंकि मान लो कि हम लोग YouTube थोड़ी है, YouTube में देखोगे तो पैसे मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी लाइक करना जरूरी है, लाइक करोगे तो ये जो हम लोग पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं वो आगे, लाइक करने से यही होता है कि वीडियो आगे प्रमोट होती है, तो आप लोग भी इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और बस हम लोगों का हो गया आज, हो गया आज का, ठीक है, तो यही था लास्ट में, यही कहेंगे भाई कि नेगेटिविटी वगैरह छोड़ो, कोई फायदा नहीं है, अब कॉर्पोरेट बुकिंग हो रहा है नहीं हो रहा है जाने दो, तुमको क्या है, तुमको कमाना है खाना है भाई, मोस्ट ऑफ द लोगों को, जाओ डंकी भी देखो सलार भी देखो, जो बढ़िया लगे देखो, जो बढ़िया लगे, नहीं देखना है दोनों मत देखो साले, सही बात, मत देखो, जा एनिमल देख के, जा एनिमल देख के, या वो भी मत देखो साले, एक्वामैन देख के, एक्वामैन ये दिखा देगा तुमको, ठीक है, तो ओके गाइस, तो यही था, तो लाइक और फॉलो करना ऐसे नेगेटिव लोगों को छोड़ दो, देखो देखने के पैसे नहीं मिलते उनको, देखो, ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको मजा आया हो बहुत ज्यादा, आउटरो तुम दे दो यार, तो लाइक कर देना वीडियो को, आज कॉमेडी ज्यादा हो गया है, थैंक्स टू सलमान खान फैंस, मतलब टॉक्सिक फैंस, नेगेटिव फैंस ऑफ, बाकी वी लव सलमान खान एंड जेन्युइन फैंस ऑफ सलमान खान, हम भैया सब एक्टर को लव, वी लव सलमान खान एंड जेन्युइन फैंस ऑफ सलमान खान, बट अगर आप टॉक्सिक हो, अगर आप नेगेटिविटी करने वाले सलमान खान फैन हो, या एसआरके प्रभास के कोई भी नेगेटिविटी करने वाले या टॉक्सिक हो, चलो गाइस बाय बाय बाय।